अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी डायनामाइट चिकन, एक स्टार्टर, बहुत ही फेवरेट एपेटाइज़र है। स्नैक के तौर पे भी आप खा सकते हैं, बहुत आसान और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनता है। चलें स्टार्ट करती हूँ मैं। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और रेड चिली पाउडर मैंने एक एक टीस्पून लिया है, नमक है और गार्लिक पाउडर है 1 टेबल स्पून और ऑरिगेनो है, और आपने 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 500 ग्राम ये बोनलेस चिकन है। अच्छा, चिकन को ना मैंने टैप ड्राई किया हुआ है, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर होगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा पानी पानी सा इसमें रहेगा, इस वजह से इसमें फ्लेवर्स आने चाहिए। तो सोया सॉस डाल के मैंने और इसको मिक्स किया, और अब मैं इसमें सारे मसाले डाल के और इसकी मैरिनेशन का टाइम जो है वो तकरीबन आधा घंटा तो ज़रूरी है। आप 30 मिनट के बाद इसको बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं बनाना, लेकिन ये कि जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे ये उतना ही फ्लेवरफुल बनेगा। अगर आप किसी पार्टी वगैरह के लिए बना रहे हैं तो आप फिर इसको जितना टाइम दें, ओवरनाइट भी रखें इसको, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना फ्लेवरफुल रहेगा। अच्छा, अब बाकी के टाइम में मैंने अब इसकी सॉस तैयार करनी है, तो मैंने मेयोनीज लिया है 1/2 कप और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली सॉस डाल दिया है। नमक डाल दें, सराचा सॉस डाल दें या कोई भी हॉट सॉस जो आपको पसंद हो वो डालें। नमक डाला, केचप डाल दिया मैंने इसमें 2 टेबल स्पून। अच्छा, केचप का ये है कि अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर दें, आगे मैं चिली गार्लिक सॉस भी डालूंगी, लेकिन ये कि ये दोनों चीज़ें मिलके इसको स्वीट और टैंगी करती हैं। तो ये भी 2 टेबल स्पून है चिली गार्लिक, और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा स्वीटनेस देने के लिए हमने इसमें शहद डाला है 1 टेबल स्पून। आपको अगर शहद नहीं पसंद है तो आप फिर स्किप कर दीजिए, अदरवाइज़ ये स्वीट एंड टैंगी सॉस होता है ना तो ज़रा मज़े का लगता है। इसमें काली मिर्च डाली है मैंने, बिल्कुल अभी अभी दरदरी सी कूटी थी, 1/2 टीस्पून के करीब डाल दीजिए। नमक अगर आपको कम लगे टेस्ट कर लें तो वो डाल दें। बस जी, इसको मिक्स कर लें या आपका सॉस रेडी हो गया। अब हम इसकी असेंबलिंग की तरफ आ जाते हैं। अपने डायनामाइट चिकन के लिए मैदा लिया है मैंने और कॉर्नफ्लोर लिया है 1/2 कप, 1 कप मैदा है, उसमें वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और गार्लिक पाउडर डाला है और अंडा फेंट लिया है मैंने, और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे सारा। ये सीजनिंग इसकी देख लीजिए आप, नमक कैसे लेते हैं, काली मिर्च कैसे लेते हैं, कम ज़्यादा आप अपने आप से कर सकते हैं। अच्छा, अंडे का ये है कि मैं अंडा जो है हमेशा उसके अंदर ही मिला देती हूँ, एक एक करके बोटी उठा के फिर उसको अंडे में लपेटो, फिर इसमें फ्लावर में लपेटो, ये मुझे बहुत लंबा काम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, अंडा मैं इसी में मिक्स कर देती हूँ। भाई जब जाना ही है इसमें एक पूरा, तो एक एक करके क्या करना, पूरा एक साथ ही मिला दें, शॉर्टकट्स हैं। चलें जी, इसको इस तरह से मिक्स करके अब मैं फिर इसको उसमें रोल कर लेती हूँ, उसमें कोट कर लेती हूँ, और इसके बाद फिर ना मैं इसको डबल कोटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि जो ये अभी इसमें कोट हो जाएगा ना, क्योंकि जो ये मॉइस्चर है इसमें, ये इसमें सारा मैदा और ये तमाम सीजनिंग इसमें लग जाएगी। डबल ट्रिपल कोटिंग से मुझे ऐसा लगता है कि फिर अंदर से चिकन कच्ची रह जाती है, इसलिए मैं इसको इस तरह से रोल और कोट कर लेती हूँ कि बस एक ही दफ़ा में जो भी इसमें लगना है वो लग जाए। अच्छा, इसको इस तरह से करके आप और तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं, तो ये जो मॉइस्चर है ना सारा इसका ये जज्ब कर लेगा इसकी कोटिंग को। लेकिन आप फ़ौरन फ़ौरन भी कर सकते हैं, उसमें ये होता है कि भाई ये जितना एक्सेस होता है वो ऑयल में चला जाता है, ऑयल गंदा हो जाता है, इस वजह से थोड़ा टाइम दे सकते हैं। बहरहाल जैसे आप समझें मुनासिब, दोनों तरह से काम हो सकता है। इस तरह से जी देखें ये हो जाएगा, और अब मैंने फिर ऑयल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। पहले मैंने तेल को अच्छा तेज़ गर्म कर लिया है ताकि जैसे ही मैं इसमें ये डालूं तो ये अपने क्रम्स जो इसके बनेंगे ना वो खोलते हुए तेल में ही एकदम जाके वो उसकी शेप बनेगी। फिर जब हम जब जिस तरह से इसमें डाल देंगे फिर मैं जो है आँच कम कर दूंगी, और एक साइड को मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इस तेल में हल्की मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी, ताकि जो है ना ये गोश्त फिर गले अंदर से। ये थोड़े 1-1 इंच से बड़े पीसेज हैं, तो मैं चाहती थी कि ये अच्छे से गल जाएँ। मैं बड़ी कॉन्शियस रहती हूँ कि गोश्त पता नहीं गले ना गले, तो इस वजह से ज़रा ध्यान रखती हूँ मैं, तो इसको अच्छे से गलना चाहिए। तो एक बैच जो पूरा मेरा फ्राई हुआ है वो तकरीबन 7 से 8-9 मिनट तक इस तरह से लगे थे। तो अब जब तक ये कलर ना आ जाए ना इसका, अब तब तक इसको बिल्कुल भी ना छेड़ा छाड़ी करें, फिर उसको टर्न करें जब एक साइड से कलर आ जाए, तो फिर ये अच्छा इसके क्रम्स ना टूटें। देखें अब ये हो गया, तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं दूसरा बैच डाल दूँगी। पहले याद रखिए हमेशा तेज़ गर्म में डालें, फिर आँच कम कर दें और फिर उसको अच्छा सा गलने का टाइम दें, उसके बाद फिर उसको जो है ना सेकंड टाइम टर्न करें उसकी और फिर इस तरह से निकाल लें। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो आपकी कुकिंग में परफेक्शन लाती हैं। इसको बताने का ये हरगिज़ मकसद नहीं होता किसी का भी, मेरे
ये तो ये चीज़ जो होती है शेयरिंग होती है कि आप किसी को अपनी कोई दे रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस के थ्रू आपने कुछ देखा है, कुछ समझा है, कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में, तो इस वजह से आप ये नहीं मतलब होता कि हमें बहुत आता है, हमें इतनी समझ है, ये मकसद हरगिज़ नहीं होता। हम किसी के साथ कोई छोटी छोटी सी बातें शेयर करते हैं तो उनको भला हो जाए। तो चलें जी, बस अब मैंने ये सॉस इसमें डाल दिया, ये थोड़ा सा हल्का सा इसमें से हीट निकली, ज़्यादा नहीं, बस अब मैंने इसको इसमें रोल कर लेना है पूरा, मतलब इसको कोटिंग इसकी हो जाए इस तरह से करना है। और पूरा सॉस डाल दिया मैंने, और अब मैं इसको असेंबल करूँगी। और इसके लिए मैंने वो सलाद के पत्ते लिए थे, और वो स्टेम वाला बड़ा बोल लिया है मैंने, जिसमें मैं इसको सर्व कर रही हूँ। और ज़्यादातर मैंने इसकी सर्विंग ऐसे ही देखी है रेस्टोरेंट में, वैसे तो खैर किसी में भी करते हैं, कोई वो थोड़ी है पाबंदी के किसी में नहीं, कैसा भी बोलो। बहरहाल तो ये मेरे पास था, मैंने इसमें इसको सर्व किया है, और इसके ऊपर मैं हरी प्याज को मैंने स्लांट काटा हुआ है, वो मैं इसके ऊपर इसको गार्निश कर दूंगी। और ये रेडी है जी, हमारे घर में ये एज ए स्नैक खाया जाता है, एज ए स्नैक के तौर पे बहुत फेवरेट है बच्चों का। और रमज़ान में भी बनाइए आप इसको, एज ए स्टार्टर अपनी पार्टीज़ में बनाइए, और ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवरफुल, और क्या कहते हैं उसको, एक फिलर भी होता है ना, बच्चों को दे दें और उसके बाद फिर आप समझे भूल जाएं, वो खाना वाना नहीं खाते फिर, वो अच्छा हेल्दी भी है। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा घर में, और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए, इसी तरह से हमारी वीडियोस आगे जाती हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।